एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आया है और यह ट्विस्ट नीतीश कुमार के 3 दिवसीय दौरा पर दिल्ली से लौटने के बाद आया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली से कई दलों के नेताओं से बातचीत के बाद पटना लौटे, उन्होंने अपनी बात रखी भी और कहा कि इसके आगे अभी बहुत सारे काम करने हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उनका जो कार्यक्रम था ये 3 दिवसीय वो बहुत हद तक सफल रहा है, उनके चेहरे के भाव बता रहे थे। लेकिन उससे बड़ा ट्विस्ट यहाँ बिहार में हो गया। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई। पहली तो ये कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बिना बताए, नीतीश कुमार के दिल्ली रहते ही खुद पहुँच गए दिल्ली और नीतीश कुमार से मुलाकात न करके उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के मायने जो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी बता रही है उसके हिसाब से तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये आसान नहीं है पचा जाना कि बिना कारण अकारण या जिस विषय पर मिलने गए थे बात उतनी ही हुई। राजनीति में बहुत सारे परसेप्शन होते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कहा नहीं जाता है, सीधे एक्ट किया जाता है। नीतीश कुमार भी ऐसा ही करते रहे। अब इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि नीतीश कुमार इस बार हाथ से निकल गए हैं, इस बार उन्हें वापस लाना थोड़ा कठिन होगा और नीतीश कुमार भी खुद को आजमाने के लिए और अपनी शक्ति परीक्षण के लिए 2014 की तरह एक बार तैयारी कर रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां उसे बदली हुई है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी एक्ट तो करना था। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से चल रहे चिराग पासवान के डिमांड को पूरा कर दिया है। हालांकि इसके पीछे और भी कई तरह की बातें कही जा रही है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच आपने देखा होगा कि इधर काफी द्वंद्व चला है। कल तक प्रिंस राज बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन इन सब का फिर से एक बार मायने बदलता नजर आ रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस खुद जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने सांसदों को मिलवाते हैं, अपने MLC को मिलवाते हैं, तो वहीं नित्यानंद राय खुद चिराग पासवान के आवास पर मिलने पहुंचते हैं। दो बातें हैं और इन दोनों बातों का मायने अलग अलग निकाला जा सकता है और ये तब होता है जब नीतीश कुमार दिल्ली से वापसी करते हैं। चिराग पासवान ने कुछ ग्रीवांसेस, कुछ डिमांड अमित शाह के सामने रखा था जिसकी अब तक नानुकूर हो रही थी, लेकिन नित्यानंद राय जो कि कहा जाता है कि बिहार में अमित शाह के दर्पण हैं, उनके कहा जा रहा है कि हर एक्ट को उन्हीं के द्वारा यहाँ किया जाता है और बताया जाता है, वो अमित शाह का संदेश लेकर के चिराग पासवान से मिले, दोनों गर्मजोशी से मिले। ये मुलाकात चिराग पासवान के आवास पर हुई और इस मुलाकात के बाद कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार को घेर ही रही है, लेकिन इस बार चक्रव्यूह बड़ा रचना होगा और इस रचना में कई लोगों की जरूरत होगी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से ही ताल ठोक रहे हैं। वही चिराग पासवान ने जिस तरह से इधर कुछ दिनों में एक्ट किया है, कि कुछ दिनों में जिस तरह से उनकी रैली हुई है, लोगों से संवाद हुआ है, जिस तरह की भीड़ जुटी है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि नित्यानंद राय अमित शाह का संदेश लेकर के पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है, चर्चाएं जबरदस्त हैं कि जो शर्तें चिराग पासवान ने रखी थी वो मान ली गई हैं। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सीधा टक्कर देंगे चिराग पासवान। आने वाले समय में कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि 2024 और 25 का चुनाव एक साथ किया जाएगा। चिराग पासवान ने कई बार कहा कि मध्यावधि चुनाव होंगे। इन सारी बातों को लेकर के जितना ज़्यादा बिहार में अपना समय दे रहे हैं चिराग पासवान, वो साफ दर्शा रहा था और जिस तरह के उनके रैलियों में आवाज़ उठ रहे थे कि बिहार का CM कैसा हो, चिराग भैया जैसा हो, अब ऐसा लगता है कि जो दुकान में आपने देखा होगा कि कुछ सामान आगे लगा करके रखा जाता है जिससे अट्रैक्ट होकर के लोग अंदर आते हैं और अंदर का माल क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आया है और ट्विस्ट ये आया है कि जानकार और खास करके जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अमित शाह चिराग पासवान को पोस्टर बॉय बनाने के लिए राजी हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में अब
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सीधा टक्कर चिराग पासवान से है। चिराग पासवान पहले भी नीतीश कुमार को लगातार टक्कर देते रहे हैं, हालांकि बीच में दोनों से मुलाकात हुई है और तेजस्वी यादव ने एक कोशिश जरूर किया था उन्हें इफ्तार पार्टी में बुला करके कि एक संदेश जाए, उस संदेश बिल्कुल उल्टा पड़ा और भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह अब चिराग पासवान को अपने साथ मजबूती के साथ जोड़ने के लिए संदेश नित्यानंद राय के माध्यम से भेजे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार तैयारियां कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार को फोकस किए हुए है और बिहार में चिराग पासवान, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जो कि मिल करके आए हैं और मुकेश सहनी जो कि बगल में बैठकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इसका क्या मायने हैं और किस तरह से आने वाले 2024 की तैयारी हो रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।